हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह और एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी के टीचिंग ज्ञान प्लेटफॉर्म पर गाइस स्वागत है। फटाफट आ जाइए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, पीजीटी की, जूनियर एडेड की, DSSB की, LT ग्रेड की, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट क्लास। फ्री और प्लस में क्या क्या डिफरेंस है? लिमिटेड सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड PDF है, लिमिटेड PDF। राइट, प्लस के फीचर देख लेंगे गाइस। फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री मॉक टेस्ट है। बैच कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, सीटेट का प्रॉपर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ 12 मंथ ड्यूरेशन है विद मॉक टेस्ट गाइस। राइट, ये सारी टीम है, इंडिया की टॉप लेवल की टीम है जो पढ़ा रही है, आप लोग जुड़िए। राइट, DSSB का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, MPTET का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, UPTET का प्रॉपर बैच चल रहा है गाइस। 4 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, 6 मंथ 12 मंथ की ड्यूरेशन है, 80% डिस्काउंट के साथ, और प्राइस विथ मॉक टेस्ट गाइस, जुड़ना ना भूलें। ठीक है, फटाफट आ जाए। गरिमा मैम पढ़ा रही, चंचल सर पढ़ा रहे, कल्याणी मैम पढ़ा रही है, मतलब इंडिया के टॉप लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं। 80% तक प्राइस ड्रॉप हुआ है विथ मॉक टेस्ट, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। और लगभग मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, फटाफट आ जाइए। यस, ये बेटा फी स्ट्रक्चर है। KVS PRT का प्रॉपर बैच चल रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, ये सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, 28 जुलाई से बैच चल रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर टेट का गाइस प्रॉपर बैच चल रहा है, सुपर टेट में भी आप जुड़ सकते हैं, सुपर टेट का आप देख सकते हैं, इंडिया की टॉप लेवल की टीम पढ़ा रही है, सुपर टेट की ये पूरी टीम है गाइस, जुड़ते जाइए, सुपर टेट में भी आप जुड़ सकते हैं। राइट, कोड याद रखिएगा, Uday10 हमारा कोड है, ये कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10% का गाइस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सभी बच्चे ये कोड जरूर अप्लाई करें एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये कोड डालना ना भूलें। ठीक है बच्चे, ये कोड आप जरूर अप्लाई करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफी बच्चे जुड़ गए, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। प्रियंका, राजीव, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS का बैच प्रॉपर चल रहा है, जुड़ सकते हैं। ये फी स्ट्रक्चर है, ये फी स्ट्रक्चर है गाइस, फटाफट जुड़ते जाइए विथ मॉक टेस्ट। ये फी है, अगर आप Uday10 डालते हैं तो इसमें भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें TGT, PGT, जूनियर एड सभी के लिए मैं बैचेस पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तुरंत जुड़ जाइए जिसको अन अकेडमी पर लेना है। 1 मिनट बच्चों, जरा सा मैं देख लेता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। ये क्या हो गया है? कभी कभी नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप सभी लोग बने रहें। ओके, नहीं, प्रॉपर प्रॉपर आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कोई नेटवर्क इशू नहीं है बेटा, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ये आप लोग जोड़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कोड याद रखिएगा, Uday10 हमारा कोड है, ये कोड डालना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, 25 अगस्त को, 25 अगस्त को स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, 25 अगस्त को 9:30 बजे, 12:30 बजे, 6:30 बजे, ये 3 टाइमिंग याद रखिएगा।
राइट 9:30 PM, 12:30 PM, 6:30 PM, 25 तारीख को स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, ऐप पर क्लास होंगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है, कल मैंने जो पढ़ाया था उसके आगे यहाँ से स्टार्ट करना है। कल जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे थोड़े से, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और जो बच्चे आगे TGT देना जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप, बस आपको याद रखना है। मैंने पहले भी ये सब पढ़ाया है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ओनली लव मेक फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड डेथ इट नियरली किल्स, बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट। ये लाइंस गाइस कहाँ से ली गई हैं, जल्दी बताएं ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, जॉन गाल्सवर्थ थी, मैं कल पढ़ा रहा था, उसके क्वेश्चन मैंने कराए, 20 क्वेश्चन तक मैंने कराए थे, उसके आगे क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी बताइए। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड डेथ इट नियरली किल्स, बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट। द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम, ये लाइंस कहां से ली गई। बियॉन्ड अ बिट ओ लव द सिल्वर बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं। हेलो विकास ठाकुर, कैसे हैं? बिल्कुल इसका आंसर सही है, ये लाइन बियॉन्ड से ली गई है। कहाँ से ली गई है, बियॉन्ड से ली गई है, विलियम गाल्स, बिल्कुल सही है गाइस। अगला देखें, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। कल एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि सर विलियम शेक्सपियर पर जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स किए गए, एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, तो वो कमेंट्स मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, राइट। विलियम शेक्सपियर पर जो कमेंट्स किए गए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। जिसमें मैं विश्वास करता हूँ उसमें आप पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, बताएं। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। बियॉन्ड से, अ बिट ओ लव से, द सिल्वर बॉक्स से, सैंड प्रोग्रेस से, बिल्कुल सही है, सैंड प्रोग्रेस की ये लाइन्स है, सैंड प्रोग्रेस की, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ आर सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट, ये लाइन कहाँ से ली गई है। द वैल्यू ऑफ आर सेंटिमेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट, ये लाइन्स कहाँ से ली गई, जल्दी जल्दी बताइए। बियॉन्ड से, अबिट ओ लव, या विंडोज से, या सेंट प्रोग्रेस। बिल्कुल सही है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, विंडोज से, यस, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग शेक्सपियर वाला देख लेते हैं, कल बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा सा शेक्सपियर वाला पढ़ा दीजिए, तो हम शेक्सपियर वाला भी देख लेते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, शेक्सपियर का PDF वगैरह जो नोट्स है बेटा ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जूनियर एडिटर में डेफिनेटली मिलेगा। सम फेमस क्रिटिकल कोट्स, वैसे तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में भी ये पूछ सकता था, लेकिन पहले आज मैं पढ़ा दूंगा, फिर मैं इनको क्वेश्चन फॉर्म में लेके आऊंगा ताकि आप इन फ्यूचर गलती ना करो। ठीक है बेटा, मैंने शेयर तो किया है लेकिन बच्चे कहाँ चले गए, देखूँ जरा, मैंने शेयर करना भूल गया क्या मैं। नहीं, शेयर तो कर दिया गया है, यस यस, लग रहा है रक्षाबंधन मना रहे थे। चलिए ठीक है, हेलो पुष्पेश्वरी डागर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विलियम शेक्सपियर पर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखिए, सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स कमेंट्स ऑन शेक्सपियर। पहला जो फेमस कमेंट है, अदर अबाइड आर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री, दूसरे तो हमें क्वेश्चंस में बांध देते हैं
लेकिन तुम्हारी जो आर्ट है, तुम्हारी जो कला है, वो बिल्कुल फ्री है। दूसरे हमें किसमें बांध देते हैं? प्रश्नों में, क्वेश्चन में बांध देते हैं। ये मैथ्यू अर्नॉल्ड का रिमार्क है शेक्सपियर के लिए इन हिज सोनेट ऑन शेक्सपियर में, अपनी सोनेट ऑन शेक्सपियर में ये रिमार्क है मैथ्यू अर्नॉल्ड का। हाँ, आज से ही बहुत लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। चलो ठीक है। ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, ये लाइन ऑलरेडी कई एग्जाम में आई है। ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, डब्ल्यू जे लॉन्ग इज द राइट आंसर। डब्ल्यू जे लॉन्ग करेक्ट आंसर है। डब्ल्यू जे लॉन्ग का ये रिमार्क है, ये कमेंट है। ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड आर माइरेट माइंड ऑफ शेक्सपियर। मतलब ग्रेटेस्ट जीनियस जो अभी तक, शायद अभी तक इस नेचर ने प्रोड्यूस किया है, आर माइरेट माइंडेड शेक्सपियर, हमारे बहुत से मस्तिष्क वाला। माइरेट का मतलब होता है बहुत से मस्तिष्क वाला, असंख्य मस्तिष्क वाला शेक्सपियर। ये कौन कह रहा है? एसटी कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज का ये रिमार्क है, जो रोमांटिक एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट लिखा, उन्हीं का ये रिमार्क है, उन्हीं का ये कॉमेंट। ठीक है, फटाफट आ जाएगी। नहीं, मैंने वैसे शेयर किया, एक बार मैं देख लेता हूँ टेलीग्राम में शेयर किया कि नहीं मैंने। हाँ बेटा, टेलीग्राम में भी शेयर किया गया है, बिल्कुल टेलीग्राम में शेयर किया गया है। यस यस, और ये सब पढ़ लो बेटा, यही सब एग्जाम में काम आएगा। ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो किसी एक एज के नहीं बल्कि सदाबहार है, वो तो एवरग्रीन है। ये रिमार्क है बेन जॉनसन का। गाइज, बेन जॉनसन ने बड़े ही पॉजिटिव और क्रिटिकल दोनों ही टाइप के कमेंट्स किए शेक्सपियर के लिए, राइट? बेन जॉनसन ने, स्वीट सॉन ऑफ एवन, एवन का प्यारा हन, स्वीट सॉन ऑफ एवन, ये भी रिमार्क किसका है? बेन जॉनसन का है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, राइट? सोल ऑफ द एज, वो तो एक एज की आत्मा है। अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर एज, हमारे एज का आश्चर्य है और प्रशंसा योग्य है, ये भी कमेंट है बेन जॉनसन का। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उन्होंने शेक्सपियर के एडुकेशन पर बात कही थी कि उनको लैटिन तो कम आती ही है, उससे कम ग्रीक आती है। मतलब लैटिन तो कम आती ही है, उससे भी कम ग्रीक आती है। ये रिमार्क है बेन जॉनसन का। किसका रिमार्क है? बेन जॉनसन का। गाइस, तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, राइट? कि उनको लैटिन तो कम आती है, लेकिन उससे भी कम गाइस उनको ग्रीक आती है। हेलो पूनम, कैसी हैं आप? आई लव द मैन एंड डू ऑनर इज मेमोरी, मैं उस व्यक्ति को सम्मान करता हूँ, प्रेम करता हूँ और उसकी स्मृति का सम्मान करता हूं, ये भी रिमार्क है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन ने बहुत सारे कमेंट्स किए, ये सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाएंगे आप लोगों से। ओके, आई एडमायर हिम, हिम का मतलब है यहां पर, हिम का मतलब है बेन जॉनसन। मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूं, एडमायर करता हूं, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूं। ये कौन कह रहा है? जॉन ड्राइडन कह रहे हैं इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉसी में। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जॉन ड्राइडन कह रहे हैं इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉसी में। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें बेटा। यस यस यस, जॉन ड्राइडन इन हिज एसे ड्रामेटिक पॉसी। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सावेज, ये मैंने कई बार क्वेश्चन में ही पढ़ाया है। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सावेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली लंदन एंड कनाडा। ये वॉल्टेयर का कमेंट है कि भैया शेक्सपियर जो है एक पियक्कड़ व्यक्ति है, जिसके जो प्लेज हैं वो केवल लंदन और कनाडा के लोगों को ही खुश करते हैं। ठीक है, यस यस यस, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए जूनियर एडिटर के लिए, काफी अच्छी वैकेंसीज है, मैं बता रहा हूँ। चाहे एलटी ग्रेड देने जा रहे हो, चाहे जूनियर एडिटर देने जा रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
अगला देखते हैं। आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, हमारा प्यारा शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये जॉन मिल्टन कहते हैं इन एल एलिग्रो में कहते हैं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा कमेंट है। फैंसी का मतलब होता है कल्पना का बच्चा, कल्पना का बच्चा, हमारा प्यारा शेक्सपियर कल्पना का बच्चा, बाय जॉन मिल्टन इन एल एलिग्रो। व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर, ये कितना गंदा कमेंट करना चाहा था कुछ लोगों ने, राइट। दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। जब भी मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे ये छोटे लोग म्यूज करते हैं ऐसी प्यारी लैंग्वेज को। ये डीएच लॉरेंस कहते हैं। बिल्कुल पूनम, बिल्कुल, डोंट वरी। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, मतलब स्मृति का बेटा और उत्तराधिकारी, यश का उत्तराधिकारी, ये कहते हैं मिल्टन इन हिज पोयम ऑन शेक्सपियर में। ये कौन कहता है? मिल्टन कहते हैं अपनी पोयम ऑन शेक्सपियर में, गए। ठीक है, ही इज एन अपस्टार्ट क्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले। ही इज एन अपस्टार्ट क्रो, वो अभी मतलब नया उड़ने वाला कौआ है, जिसने अभी भी उड़ना सीखा है, जो ब्यूटीफाइड विद आर फेदर, जो हमारे पंखों से उड़ना चाह रहा है, विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट, नाटककार के हृदय में, जिसके नाटककार के हृदय में एक टाइगर का दिल है। ठीक है, बाय रॉबर्ट ग्रीन, ये जो कमेंट है रॉबर्ट ग्रीन का है, अपने प्लेम्पलेट ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में उन्होंने कहा है, अपने प्लेम्पलेट ग्रोट्स वर्ड्स ऑफ विट में उन्होंने ये कमेंट किया है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देर इज नो थर्ड, इनके बीच में कोई तीसरा नहीं है। टी एस एलियट इन सेलेक्टेड एसे, टी एस एलियट कहते हैं अपने सिलेक्टेड एसे, कलेक्शन ऑफ एसेज है उसी में। माई शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर, मेरे शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें लॉज का मतलब रुकने देना, मैं तुम्हें नहीं रुकने देना चाहता चौसर और स्पेंसर जहां पे रुक गए, और बिड ब्यूमा, और ब्यूमा अ लिटिल फर्दर टू मेक दिया रूम, तुम्हारा तुम्हारा स्थान, तुम्हारी जगह तो इनसे कहीं आगे है। बेन जॉनसन का रिमार्क है, ये बेन जॉनसन कहना चाह रहे हैं, राइट। किसका है कमेंट? है बेन जॉनसन का। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, अगर हम जानना चाहते हैं ह्यूमन जीनियस की फोर्स को तो हमें क्या, किसको पढ़ना चाहिए? विलियम शेक्सपियर को, बाय विलियम हैजलिट का कमेंट है। देयर शेक्सपियर ऑन हूज फॉर हेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का ये रिमार्क है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, यस। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला देखें, द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की आंख के निकट रहने वाली थिंग, शेक्सपियर के लिए कहा गया है, लॉरेंस ओलिवियर का कमेंट है ये। ठीक है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स, ये भी मैंने कई बार पढ़ा है कि मेरे शेक्सपियर की सम्मानित अस्थियों को किस चीज की जरूरत है। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, ये जो पत्थरों का गट्ठर है इसमें एक एज का श्रम दिख रहा है, एक युग का श्रम दिख रहा है, जॉन मिल्टन का ये रिमार्क है गाइस। किसका रिमार्क है? जॉन मिल्टन का। सभी बच्चे जुड़ते जाएं फटाफट। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हनी टंग्ड शेक्सपियर, किसने कहा है ये बात? जॉन वीवर ने। आगे देखिए, शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इन टू विच अ पोइट मे फॉल, इट मेयरली इंडिकेट अ डेफिशियंसी ऑफ टेस्ट, बाय डेनिस ड्रॉट ने कहा। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। यस, इंग्लैंड ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडी और ट्रेजेडी में फ्रांसिस मेयर ने कहा है, फ्रांसिस मेयर्स का कमेंट है।
आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कॉन्टेंट फॉर थैंक गॉड, मेरे पास बहुत महान रीजन है संतुष्ट होने का, ईश्वर को थैंक यू बोलने का, कि मैं शेक्सपियर को पढ़ सकता हूँ एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू इज डेप्थ, और शायद इससे ज़्यादा शेक्सपियर को उसकी गहराई से समझ सकता हूँ। जॉन कीट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन कीट्स का एक, किसका है? जॉन कीट्स, याद रखिएगा। बिल्कुल कराएंगे सविता सैनी, बिल्कुल कराएंगे। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपी, शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं किया जा सकता है। जॉन ड्राइडन ने कहा है एसे एंड ड्रामेटिक पॉसिंग, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डिसअपियर। किसने कहा है? यूजिन यूनेस्को ने, यूनेस्को, राइट। आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर, मैंने बहुत देर से शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया, और मैं पाता हूँ कि, और मैंने पाया, इट इज सो इनटॉलरेबली, मतलब बड़ा इनटॉलरेबली टाइप का राइटर, डल है, आलसी है, उबाऊ है, इट नॉसिएटेड मी, और ये मुझे मतलब एक नॉसिएटेड मी, मतलब जैसे इसको पढ़ के मुझे उल्टी आ जाती है, इतना गंदा कमेंट चार्ल्स डार्विन का है शेक्सपियर के लिए। फटाफट यस यस यस, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। यस, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ आई न्यू व्हाट आई मीन, वर्जीनिया वुल्फ का है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न पर हैव एशियंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ओहो, जॉन ड्राइडन का एक कमेंट, बहुत बढ़िया बेटा। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड पर हैव एशियंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, बिल्कुल सही। आर द कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रियली मैड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी, ऑस्कर वाइल्ड का कमेंट, ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। उसने क्या किया? डेड बॉडीज पर सांस ली और उनमें जीवन ला दिया। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कमेंट है, किसका है? राल्फ वाल्डो एमर्सन का कमेंट है, राइट। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट, राइट। टी एस इलियट का कमेंट है, टी एस इलियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें क्लियर, तो ये सारे याद रखिए, यहां से पूछा जा सकता है किसका कौन सा कमेंट, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि किसका कौन सा कमेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप बार बार अगर एक दो बार भी देख लोगे तब भी ये कोट्स आपके मन में पूरी तरह सेट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है? ओके चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप लोग जानना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शेक्सपियर के प्लेस से रिलेटेड, ट्रेजिडी से रिलेटेड, आप लोग को उसका आंसर देना है। बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी बताएं, विच कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज बीन रेफर्ड एज फुलिश पार्टिंग नेव?
जल्दी बताइए, फुलिश पार्टिंग नेम। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, और एक बार इसका आंसर गलत भी आया हुआ है, कई किताबों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। जल्दी बताएं, बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, और इसका आंसर बेटा कई किताबों में गलत दिया हुआ है, कई जो आप लोग प्रोमिनेंट बुक पढ़ते हो उसमें भी गलत दिया हुआ है। फटाफट बताएं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जरा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वैसे बहुत सी किताबों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। वैसे बेटा इसका चेक कर लीजिएगा, पुष्पेश्वरी डांगर आपने भी डी बताया था। नहीं, मैंने डी बताया था, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका आंसर है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थे, पोलोनियस। यस, पोलोनियस इज द राइट आंसर, पोलोनियस इज द राइट आंसर गाइस। यस, आज आप लोग करेक्ट कर लीजिए, पोलोनियस, नॉट गर्ट्रूड बेटा। नहीं, पोलोनियस इज द राइट आंसर। उस समय थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन अभी मैं इसको करेक्ट करा रहा हूँ। फुल इज पार्टिंग नेम, किसको हैमलेट में रेफर किया गया है? पोलोनियस को। इसको बेटा बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अगला देखें, हु स्पीक द फॉलोइंग पॉपुलर लाइन इन हैमलेट? नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी टू थिन ओन सेल्फ टू बी सेल्फ बिट्रीव। ये लाइंस कौन कहता है हैमलेट में? हैमलेट, पोलोनियस, क्लाउडियस या गर्ट्रूड? फटाफट आंसर दें। यस राजीव, एब्सोल्युटली फंटेबुलस। इसका भी आंसर गाइस क्या होगा? इसका भी जो आंसर है वो पोलोनियस है। बी विल बी द राइट आंसर। यस, पोलोनियस। ठीक है, विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर इज अ मॉडर्न डे एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर के किस ट्रेजेडी से प्रभावित है जो हैदर मूवी है, वो किस पर बेस्ड है? हैदर देखी कि नहीं आपने, जिसमें शाहिद कपूर थोड़ा पगला टाइप के बने होते हैं? एच से हैदर और एच से हैमलेट, याद रखिएगा, एच से हैदर, एच से हैमलेट, कभी गलत होगा ही नहीं आपका। ओमकारा ओथेलो, क्या बात है आयुषी, तुम्हारा ये आंसर देख के मुझे बहुत हुई है खुशी। ठीक है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ओथेलो गाइस, उसका कंप्लीट टाइटल क्या है? जल्दी बताएं, ओथेलो का कंप्लीट टाइटल बताइए फटाफट। बहुत ही कम बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, फटाफट दीजिए आंसर। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? ए। बहुत से बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चों का ये आंसर है, तो मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगा। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। यस, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। यस यस, ये पूरा टाइटल है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो।
मूर ऑफ द बैक्स। यस, जितने बच्चों का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही है। ठीक, इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, हेलो रत्नेश, हाउ आर यू? ओके, चलिए थैंक यू। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे